जैसा सभी युवाओं के धड़कन और विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ग्रामीण विकास विभाग एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय आलमगीर आलम साहब, माननीय मुख्य मंत्री के सचिव विनय चौबे साहब, श्रम विभाग के सचिव राजेश शर्मा साहब, श्रम आयोग बेसरा साहब, पवन कुमार जी, अमित प्रकाश जी, उपायुक्त रांची, एसएसपी रांची, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों, विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे छात्र छात्राएं जो स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, आज खुशी का दिन है कि आज मुख्यमंत्री सारथी योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा शुभारंभ की गई है। मैं धन्यवाद बहुत देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि युवाओं और युवतियों को रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के योजनाएं चलाई जा रही है। और अभी 80 ब्लॉक में पहला फेज चालू हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास है कि जो राज्य में 264 प्रखंड है, सभी प्रखंडों में बारी बारी से प्रशिक्षण होगा, रोजगार से जोड़ने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और कोविड-19 जैसे महामारी में भी श्रम विभाग बेहतर काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हम कह सकते हैं कि जहां 8-8 लाख मजदूर दूसरे प्रदेश में काम करने गए थे और उस आपदा में लाने घर तक पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में हुआ। और अभी जो हमारे युवा युवतियां हैं जो रोजगार के लिए प्रखंड में अंचल में गांव में घूमते थे कि हम भाई सर्टिफिकेट तो मैट्रिक का है, इंटर का है, बीए का है, एमबीए का है, बीबीए बीसीए का है, लेकिन रोजगार मिले तो कहाँ मिले। लेकिन अभी सरकार का जो योजना है सभी को प्रशिक्षण दे करके किसी में छोटा कंपनी बड़ा कंपनी यानी सरकारी स्तर पर और गैर सरकारी स्तर पर हम लोग पूरा प्रयास करें कि सभी को रोजगार से जोड़े। पहले हमारे झारखंड के कई बच्चियां मानव तस्कर की शिकायत होती थी, 8,000 6,000 5,000 महीना, तमिलनाडु कर्नाटक केरला विभिन्न राज्यों में जाते थे काम करने के लिए। और हमारे कई युवा दूसरे प्रदेशों में जाकर के रिक्शा भी चलाते थे, टेम्पो भी चलाते थे, लेकिन जब से हमारी गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नई सरकार बनी और एक से एक योजना प्रारंभ किया गया है, हम कह सकते हैं कि 18 बरस पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थे, 18 बरस बनाम 3.5 बरस अभी जो काम हो रहा है। और रोजगार के क्षेत्र में नहीं, हम लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम आवाम महिलाओं के लिए, ताकि हर व्यक्ति रोजगार से जुड़ सके। हम लोग हर एक जिला में भी कार्यक्रम करते हैं, कई महिलाएं रोजगार में जुड़े हुए हैं, जितना सरकार की योजना है हर विभाग में हर स्तर के लोग जुड़े हुए हैं। और हमारा प्रयास है कि जो यश जो शुभारंभ हुआ है इस तरह का कार्यक्रम हर एक प्रखंड में हर एक जिला में कर करके हम लोग उनको प्रोत्साहन राशि जो 1,000 रुपया है वो भी मिलेगा, बच्चियों के लिए 1,500 रुपया वही हम लोग देंगे। लेकिन अधिक से अधिक प्रयास करना है कि हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर हुनरमंद बन करके अपना भी संसाधन उपलब्ध कराना है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सृजन रोजगार योजना में भी कई योजनाएं चल रही है, उससे भी कई लोग लाभ ले रहे हैं, बैंक से भी लोन मिल रहा है। हम हुनरमंद बन के कोई भी काम बैंक से लोन लेकर के आय का दुगना बढ़ा सकते हैं। हम कह सकते हैं चतरा गढ़वा पलामू जैसे जगह में कई युवा युवतियां रोजगार से जुड़ी हुई है। 14 तारीख को पलामू में कार्यक्रम था टाउन हॉल में, मुझे जाने का मौका मिला, वहां भी लगभग 1,000 युवा युवतियों को हम लोग 25 कंपनियां लगभग वहां पर आए हुए थे, सभी को रोजगार से जोड़ने के काम किया। हम चाहते हैं कि पूरे राज्य में पूरा खुशहाल झारखंड, कौशल झारखंड, बदलता झारखंड, विकसित झारखंड रूप में झारखंड दिखाई दे, क्योंकि अभी जितना स्किल डेवलपमेंट में जो झारखंड में प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस है
अन्य राज्यों में हमको देखने के नहीं मिलता है। यहाँ पूरा गांव से लेकर शहर तक पहले प्रशिक्षण शहर में होता था, किसी जिला के मुख्यालय में होता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के सोच इनका विजन कि जो बच्चियां गांव में रहती है, प्रखंड का दूरी 30 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, शहर में आ नहीं सकती है, प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सकती है, बच्चियों के लिए दिक्कत होगी, इसके लिए हर एक प्रखंड में हम लोग प्रारंभ करने के लिए शुभारंभ हुआ है। सभी हमारे जितने यहाँ पर युवा युवतियां हैं, अगल बगल भी प्रेरित करिए, प्रचार प्रसार के साथ सभी लोग जुड़े और अधिक से अधिक इस योजना का लाभ लें। सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को लाभ मिले, और हम लोगों ने जो 75% जो एक्ट बनाया है कि 75% स्थानीय युवा युवतियों को रोजगार में जोड़ना है, हमारे विधानसभा ने कमेटी भी बनी हुई है, उसे भी होमवर्क हो रहा है, हमारे सचिव साहब भी कर रहे हैं होमवर्क, हम विभाग स्तर पर भी इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो हमारे कंपनियां हैं जो निबंधन करवा रहे हैं और रोजगार से भी जोड़ने के लिए, चाहे प्रखंड स्तर पर भर्ती कैंप, जिला स्तर पर रोजगार मेला लगा करके हम लोग रोजगार की दिशा में पूरा झारखंड में लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और हम बहुत बहुत बधाई देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि कौशल विकास और श्रम विभाग में जो हमारे श्रमिकों के लिए कई नई नई योजनाएं प्रारंभ की गई है, युवा युवतियों के लिए प्रारंभ की गई है, सभी को लाभ लेने की जरूरत है। और पहले प्रचार प्रसार की भी कमी थी, जो उनको जानकारी का अभाव था, जो नहीं पहुंच पाते थे किसी सरकारी कार्यालय में जिला में, अब हर जगह प्रचार प्रसार के गाड़ी भी चल रही है, होर्डिंग वोर्डिंग भी लग रहा है, परेड भी बंट रहा है, इसलिए पूरा जोर एक अभियान चला करके आप लोग जुड़िए भी और लोगों को जोड़िए भी, सरकार आपके साथ है और लगातार ये सिलसिला है वो जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय श्रम मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी। और अब मैं अपने तकनीकी सहयोगियों को उससे निवेदन करना चाहती हूँ, हमारे 80 सेंटर। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुल उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए अमिटी यूनिवर्सिटी अपने स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाइस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क हजाम रांची। कम्प्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE NEET की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलम्पियार्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कम्प्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंकवेट हॉल, डिप डी बाईपास रोड, रांची।